हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो होगी फिजिकल वेरिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट अगर हमने लगाए तो हमारा क्या होगा। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। कल मैं आप लोगों के लिए लाइव दिखा दूंगा कि किस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले 11th क्लास का फिजिकल वेरिफिकेशन कल PCM वालों का है, तो कल से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अच्छा, पहली चीज ये कि जिन बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन अभी इस वीक में है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका जो कॉलेज होगा, उनकी जो फैकल्टी होगी, वहीं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये पहली चीज आप लोग याद रखिए। दूसरी चीज ये कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने ही रखने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम क्या करें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है 5% ना भी हो, लेकिन हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर वो मांगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हो, फौरन ही आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नोटिस में ये चीज है। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा वो क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना नेसेसरी है। ये पॉइंट पहला है, ऊपर ही लिखा हुआ है, मतलब जब पॉइंट्स लिखे गए हैं तो उससे पहले ही लिखा गया है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनके जो ओरिजिनल है वो आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट की और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो भी चीज आप लोग लगाएंगे उसकी कम से कम 4 कॉपी अपने पास रखिएगा। हो सकता है 4 की जरूरत ना पड़े, कम की जरूरत पड़े, लेकिन उस वक्त आप लोगों को परेशानी ना हो इस वजह से ऐसा कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज है, आपका स्कूल से आपको TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जो AMU वाले बच्चे हैं, इंटरनल बच्चे, उनको ये जरूरत नहीं होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इंटरनल बच्चे जो होंगे उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। दूसरी चीज होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दो चीजें अभी हमें चाहिए, पहला है TC या हमारे पास माइग्रेशन होगा, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो ओरिजिनल होंगे वो वापस मिल जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद जो कैटेगरी है, कैटेगरी में अगर आप CE हैं, अगर आप CA हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, या कोई भी कैटेगरी है, आप स्पोर्ट्स कोटे से आपका एडमिशन हुआ है, तो वो जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर किसी भी बच्चे के पास पुराना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पुराना है, और अगर वो वेरीफाई हो चुका पहले, तो वो हम लगा सकते हैं, चाहे वो 5 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, कोशिश करिएगा नया हो, लेकिन अगर नया नहीं होता तो पुराना भी चल सकता है। उसके बाद है हमारे पास अंडरटेकिंग, जो कि रैगिंग से रिलेटेड होगी। रैगिंग में 0% टॉलरेंस है AMU में, तो याद रखिएगा हमारे पास के रैगिंग के लिए हमें स्टूडेंट और गार्जियन दोनों के हिसाब से अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप लोग को वही मिल जाएगा, हो सकता है कि एक फॉर्मेट वो लोग वहीं से दे दें, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, अभी से परेशान मत हो जाइएगा कि ये कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, ये वहां आप लोग को मिल जाएगा। प्लेन पेपर अगर होगा तो हो सकता है आपको लिखना पड़े, या फिर एक फॉर्मेट होगा उस पर सिर्फ साइन करने पड़ेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वकील वहां बैठा हो और वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हो। तो अंडरटेकिंग के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, वो आप लोग को आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि जब आपने मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी है वो आपने दी, फोटोकॉपी आपने दी है, तो ये जो फोटोकॉपी होगी ये सबमिट होगी, ये आपकी फोटोकॉपी सबमिट हो जाएगी, ओरिजिनल आपको रिटर्न हो जाएगी, ओरिजिनल आपको रिटर्न हो जाएगी। अब ये पॉइंट भी आप लोगों के जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिनल जो होगी आपके पास, यार मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर देता हूं, ओरिजिनल जो होगी वो आप लोगों की रिटर्न हो जाएगी। तो
बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि ओरिजिनल के बिना हो जाएगा, ओरिजिनल के बिना नहीं हो पाएगा, ओरिजिनल आप लोग को रखनी पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ की, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की परेशानी को सॉल्व किया जाए। और कल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग बताइएगा, मैं रात में उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, अभी थोड़ी देर में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू बच्चों।